चलिए आज लखनऊ में चलते हैं इमामबाड़ा। हमारा लास्ट डे आज घूमने फिरने का वैसे लखनऊ में। तो ये इंडिया का है सेकंड लार्जेस्ट इमामबाड़ा, जो कि असफ़-उद-दौला नवाब ने 1784 में बनवाया था लखनऊ में। इमामबाड़ा काफ़ी सुंदर बना हुआ है और बाहर को काफ़ी चहल पहल रहती है। छोटा इमामबाड़ा भी आपको दिख जाएगा बाहर को, एक दरवाजे के जैसा ऐसा दिखता है ये। और छोटे इमामबाड़ा में आज सच अंदर जाने को कुछ करने को नहीं है। तो इसलिए हम जा रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा में। बाहर से आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा गार्डन बना हुआ है। पानी पीजिए आप लखनऊ में। तो हम आए हैं अपने दोस्तों के साथ, ये है ताबिश। वैसे मैं आप लोगों के लिए ना अलग से लखनऊ की आइटनरी रेडी करके एक वीडियो बना के दूंगी, ताकि अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो पूरा लखनऊ कैसे घूमना है वो आप कवर कर सकें। हम लोग तो लंबे टाइम के लिए यहाँ पर रुके थे, 1 हफ्ते के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। कंबाइंड पास ले रहे हैं हम यहाँ पे 50 रुपये वाला, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। इमामबाड़ा है, बावली है, काफ़ी सारी चीज़ें, 4 चीज़ें आई थिंक हैं जो मेन हाईलाइट्स हैं। अभी हम आए हैं यहाँ पर बावली देखने के लिए, जो कि एक बड़ा सा कुआं है। आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत देख सकते हैं, घूम सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो गाइड भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से यहाँ की हिस्ट्री बता सकता है। आप अपने वीडियोस वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मिर्ज़ा सैफ है, जो कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जो बहुत अच्छे से वीडियोज़ हमारे यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ शूट कर रहा है। अब हम एंटर कर रहे हैं मेन इमामबाड़ा के अंदर, जहाँ पर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो बस हमने हल्का सा ही कैप्चर ले लिया है यहाँ पे। काफ़ी ब्यूटीफुल से मिरर्स वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पर। और हम ऊपर की तरफ आ गए हैं यहाँ से चढ़ के, जहाँ पर कोई नहीं है चेक पेक करने के लिए, देखने के लिए। तो यहाँ पर वीडियोज़ फ़ोटोज़ आप आराम से क्लिक कर सकते हैं। अब चलते हैं इमामबाड़ा की भूल भुलैया में, जो कि यहाँ का एक्चुअली मेन अट्रैक्शन है, काफ़ी फन वाली जगह है। एंटर करने पे यहाँ पर 330 फीट लंबी सुरंग बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई है, दुश्मनों को देखने का ठिकाना होता है, जो कि काफ़ी हैरानी की बात है। लेकिन इस भूल भुलैया की हर दीवार उड़द की दाल, गन्ने का रस, बेल, सिंघाड़े का आटा, इस तरीके की कुछ चीज़ों को मिला करके बनाई गई है। यहाँ की दीवारें इस तरीके से बनी हुई है कि अगर आप 20 फीट दूर भी किसी से खड़े हैं ना, तो आप उससे डायरेक्टली ऐसे बिना फोन के यहाँ पे बात कर सकते हैं। इमामबाड़ा में भूल भुलैया इज वेरी मच फन, मजे आ रहे हैं यहाँ पे ऐसे घूमते रहो। लेकिन हाँ, हम तो लखनऊ वालों के साथ आए हैं, प्लस किसी और के गाइड के साथ साथ बोले, अदरवाइज गाइड जरूर कर लेना। इमामबाड़ा तो हम हुआ है, अब शाम का टाइम है, चलिए फिर से चलते हैं रॉयल चाट की तरफ लखनऊ में, हज़रतगंज में। मुझे तो यहाँ की बास्केट चाट बहुत ही पसंद आई है। तो रॉयल कैफ़े में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आए हुए हैं, यहाँ पर सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं, तो फेमस तो ये है ही। चाट किंग ने हमारे लिए चाट बनाई है खुद अपने हाथों से, काफ़ी स्पेशल डे हो गया हमारा। तो आज हम आपके चैनल के एक बास्केट चाट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी लगती। काश मैं उन्हें लखनऊ लेके आ सकती है खिलाने के लिए, या बस दिल बी लाइक वेरी हैप्पी, बहुत सही है। एंड इनफैक्ट मेरे फादर्स को भी बहुत अच्छा लगता। तो लखनऊ की फेमस बास्केट चाट के ऊपर व्लॉग हमने अलग से आप लोगों के लिए #कपल चैनल पर अपलोड कर दिया है, जहाँ पे आपको बास्केट चाट की पूरी रेसिपी भी मिलेगी। रेडी हो गया, अब शुरू करो, खा के बताओ सब लोग हमें। चम्मच घर से लेके आना चाहिए सर में, अगली बार आना तो 2 चम्मच डाल लेना, आज दे रहा हूँ। दिस इज प्रकाश की मशहूर कुल्फी का गोमती नगर ब्रांच। अमीनाबाद में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सो गोमती नगर आना इज बेटर। दिस इज नियर पत्रकारपुरम। टेस्टी कहाँ का ज़्यादा होता है? अमीनाबाद ऑब्वियसली, ऑथेंटिक अमीनाबाद का। हमारे पास टाइम की कमी है, हमारी ट्रेन है थोड़ी देर में, इसलिए है ना कृति। हाँ हाँ, ये तुम कर दो। हाँ बस इतना ही आता मुझे। हाँ बहुत है ना मिर्जा, कुछ कंटेंट हो ताबिश कुछ। हमें प्रकाश की मशहूर कुल्फी में दिमाग और शरीर को तृप्त कर देने वाली प्रकाश की मशहूर कुल्फी में देखे पढ़ने वाले का दिमाग और शरीर को तृप्त कर देने वाली प्रकाश की मशहूर कुल्फी।
हमने काफ़ी नाम सुना लखनऊ की इस कुल्फी और फलूदा का, लेट्स सी कैसी है, करो ट्राई करो। ये पीछे से आ रहा है, मैच कर रहे हैं हमसे काफ़ी। कुल्फी फलूदा मिक्स करके काफ़ी अच्छा है, फलूदा थोड़ा सा स्वीटनेस की डर है, मीठा डर लखनऊ में काफ़ी सारा मॉडर्न एरिया भी है। ये ट्रेडिशनल चीज़ें देखने के साथ ही में आप देखेंगे बहुत ही मॉडर्न सड़कें हैं, काफ़ी अच्छे मॉल्स वगैरह भी बने हुए हैं, तो यू कैन डेफिनेटली हैव अ गुड टाइम इन लखनऊ। और यहाँ पर ट्रेन से आने में काफ़ी कम किराया लग जाता है अगर आप दिल्ली NCR साइड रहते हैं तो। सेकेंड AC का किराया 1000 रुपये पर पर्सन है और आती रात आप लखनऊ में पहुंच जाएंगे सिर्फ एक रात के सफ़र में। नोएडा वापस जाने के पहले ना मुझे एक बार वापस से BYOB की बिरयानी खानी है, बिल्ड योर ओन बिरयानी। तो यहाँ की हैदराबादी चिकन बिरयानी इज़ एक्सट्रीमली डिलिशियस, आप देख सकते हैं दिखने में भी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग है। तो ये खाने के बाद ही में अब हम जाते हैं वापस नोएडा। तो ये रात को हम ले रहे हैं यहाँ पर लखनऊ रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन। बाय, मेरे को मत करो। नहीं 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 नहीं, आपके भाई यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत बधाई हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ ना कर पाओ तो गोल गोल घूमो और रजिया में लेट के देखो कैसा ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आ जाओ दिमाग सुन लो, एक रॉयल कैफे में बास्केट चाट खाइए, स्माइल करिए, स्माइल।